नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में महाभारत छिड़ गई है। जी हां, आपको बता दें, इस सियासी जंग की वजह से पूर्णिया लोकसभा सीट, जहां महागठबंधन के ही दो उम्मीदवार आमने सामने आ गए। आपको बता दें, पप्पू यादव जहां कांग्रेस का झंडा लेकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है, वहीं आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार बीमा भारती भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं आपको बताएं, इस बीच अब बीमा भारती का ताजा बयान सामने आया है, और अगर एक मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उनके सुर अब नरम दिखाई देते पड़ रहे हैं। आपको बताएं, बीमा भारती के इस बयान के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या पप्पू यादव पूर्णिया सीट छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालांकि पप्पू यादव ने ये साफ कर दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। अब क्या ऐसे में बीमा भारती ने जो बयान दिया है, अब ऐसे में पप्पू यादव थोड़ा नरम रुख अपनाते हुए नजर आएंगे या बीमा भारती उनके लिए वो सीट छोड़ते हुए नजर आएगी। दरअसल आपको बताएं, भारती ने कहा कि पप्पू यादव मेरे गार्जियन है। वहीं बीमा भारती ने पप्पू यादव से पारिवारिक रिश्ता होने की बात कही। बीमा भारती से जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस नेता पप्पू यादव बिहार में पूर्णिया से उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे, तो इस पर बीमा भारती ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वह मेरा समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन वो इसका विरोध करेंगे, लेकिन यह बात सच नहीं है। वह मेरे अभिभावक है और आगे भी रहेंगे। हमारा उनका पारिवारिक रिश्ता है और हम मिलकर पूर्णिया का चुनाव जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से बीमा भारती बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है, क्या वो वाकई में पूर्णिया सीट पप्पू यादव के लिए छोड़ देंगी या पप्पू यादव पूर्णिया सीट छोड़ देंगे? लेकिन वही आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की जो घोषणा हुई थी, उसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पप्पू यादव की चुटकी ले ली है। उन्होंने कहा है कि पूर्णिया लोकसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल को दिया जाना कांग्रेस नेता पप्पू यादव के लिए बड़ा झटका है। वहीं सिन्हा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने की उम्मीद में पिछले हफ्ते अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव जी अब क्या करेंगे? उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हम लोग चिंतित हैं, वो तो जाहिर तौर पर चिंतित होगी। जैसा कि उन्होंने कहा था कि वह पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे, दुनिया भले छोड़ देंगे, अब ऐसे में क्या वो करते हुए नजर आएंगे? आपको बताएं, जिस तरीके से विजय कुमार सिन्हा ने उनकी चुटकी ली, जाहिर तौर पर अब पप्पू यादव की हंसी हसारत ऐसी ही हो रही है कि उनके विलय करने के बाद पार्टी में उनका जो वर्चस्व है वो खत्म हो गया, उनको सीट नहीं मिली। दरअसल आपको बताएं, सीट बंटवा में राजद ने 26 सीटें अपने पास रख ली, वहीं 9 सीटें कांग्रेस को दे दी। और हां, अंदर खाने में ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के लोकप्रिय यादव नेता पप्पू यादव और युवा नेता कन्हैया कुमार को लालू यादव अपने बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव के लिए चुनौती के तौर पर देखते हैं, इसलिए उनको सीट नहीं दे रहे। ऐसे में आरजेडी ने कांग्रेस को 9 सीटें तो दे दी, लेकिन पप्पू और कन्हैया के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। वहीं पप्पू के हाथ से पूर्णिया सीट तो गई, वहीं आपको बताएं, मधेपुर और सुपहल भी नहीं उनके हाथ आया, जहां से वह चुनाव लड़ सकते थे। आपको बताएं, दरअसल पप्पू पूर्णिया और मधेपुरा दोनों सीटों से जीते हैं। अब वह पूर्णिया से उतरे तो लालू यादव का समीकरण गड़बड़ा जाएगा और आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती की भी मुश्किल बढ़ जाएगी। ऐसे में पप्पू यादव के सपोर्टरों ने उनसे निर्दलीय चुनाव लड़ने की मांग कर दी है। तो बताएं, बिहार की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस जहां जहां सीटें चाह रही थी वहां लालू ने कैची चला दी। अब ऐसे में औरंगाबाद की बात करें या पूर्णिया, बेगूसराय, वाल्मीकि नगर जैसे कई सीटें जहां कांग्रेस को नहीं मिली और लालू चाहते भी नहीं थे कि उनको मिले, वहीं बिहार में अब तेजस्वी यादव के समकक्ष कोई बड़ा युवा नेता उभर कर सामने आए, ये भी नहीं सही है। तो यही एक बड़ा कारण है कि लालू यादव ने कन्हैया और पप्पू यादव को तवज्जो नहीं दी, और ऐसे में अब पप्पू यादव का जो समीकरण है वो गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में देखा जाए, पप्पू यादव क्या आने वाले समय में कन्हैया कुमार और आरजेडी नेता से नाराज होते हुए दिखाई देंगे ऐसे में, या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अब उनकी जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि वो जान दे देंगे लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे, अब ऐसे में बीमा भारती के जो नरम रुख नजर आ रहे हैं, क्या आने वाले समय में बीमा भारती उनके लिए सीट छोड़ सकती है या पप्पू यादव बीमा भारती के लिए कुर्बानी देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि हर बार जब भी कोई राजनीतिक पार्टियां किसी से विरोध होता है तो
तो बोलती हैं कि उनके राजनीतिक रिश्ते अच्छे हैं और उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जो पारिवारिक रिश्ता है वो कितना निकल कर सामने आता है, दोनों लोग आपस में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर पार्टी छोड़कर अलग पार्टी के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, जैसा कि उनके समर्थक लगातार मांग कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।